अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। पहाड़ी शरीफ इलाके में मुकामी आवाम को पेंशन के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शाहीन नगर इलाके में माजूर बुजुर्ग और बेवा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर पेंशन नहीं दी जा रही है, दो तीन महीने से इनको ये परेशानी उठानी पड़ रही है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि आज पिछले कई दिनों से ये लोग फिर रहे हैं, लेकिन ऑफिसर कोई मौजूद नहीं। बताया जाता है कि शाहीन नगर से कोतापेट बुलाया जाता है, फिर वहां से पहाड़ी शरीफ, लेकिन पेंशन के पैसे नहीं दिए जाते। एक तरफ हुकूमत तेलंगाना के चंद्रशेखर राव सीना ठोक कर बड़े बड़े वादे और बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये सच्चाई है जिससे वो झुठला नहीं सकते। बहरहाल आवाम की शिकायत और आवाम की परेशानी को समझेंगे तो तभी सुनहरा तेलंगाना बनेगा, वरना सुनहरा तेलंगाना का ख्वाब ही रह जाएगा। देखते हैं कि हुकूमत तेलंगाना इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। अमीर हमीद के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। तीन तीन चार चार ऑटो लगा के आना, पैसे लेके आना, लोगों से फिर आना, या कोई बोलने वाला नहीं, ना फोन नंबर ले रहे, ना बैग में डाल रहे, नहीं डालते बोल के बैग में लिए थे जरा से, आधार कार्ड का कुछ भी नहीं करे, दो साल से ऐसी फिरा रहे। बहुत बड़ी तकलीफ हो रही हम लोगों को, इतनी तकलीफ हो रही पूछो मत। या कोई भी नहीं रहता, किससे बात करना, कहाँ जाके लेना, हम वजीफा आते से थोड़े पैसे, दवा दुक्कू चपला घसे जा रहे, हमारे आने जाने में पैसे खर्चा हो जा रहे, हम क्या खाना क्या पीना कैसा रहना, दूर दूर से आते, कोई फैसिलिटी है इसलिए हम लोगों को, ना फोन नंबर देते, ना टाइम पे रहते, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, कैसा होगा बोलो तुम। फिर इतने गिरते पड़ते, इतना मरते पड़ते रहते यहाँ पर, एक दूसरे के आंखों में बता नहीं सकती, लड़ाई झगड़ा, हम तो कमजोर बीमार पड़ जाते, यहाँ आके गिर जाते, फिर भूखे प्यासे जाते वापस, कितने दिन फिर ना, हम रमजान पूरा जाने को आया, पैसा नहीं कुछ भी नहीं, लोगों से ले लेके उधार लेके लगा के आ रहे, इतनी बड़ी तकलीफ है हम लोगों को। पेंशन कितने महीने का बाकी है आपको? मेरा अब पहली को 3 महीने का होता, 3 महीने का आना है, फिर फिर के जा रहे, कोई परेशानी कोई देखने वाला है ही नहीं, कोई पूछने वाला है ही नहीं, बोलो कि हम तमामों को आराम हो सके, आते ही हमको वजीफा मिल जाना चाहिए, या फोन नंबर हमारा लेके उन्हें फोन करना चाहिए, या तो बैंक में डालना चाहिए, बैंक में सबका है, पुराने शहरों का, यहाँ का नहीं है। यहाँ बहुत बड़ी तकलीफ है, यहाँ के खाली जाना, फिरते रहना, हमको नहीं मालूम बोलते, फिर वहाँ फोन करे तो यहाँ फोन करता, हमको नहीं मालूम बोलते, वहाँ फोन करता, हमको नहीं मालूम बोलते, हम कहाँ जाना, कहाँ से पैसा लाना, किधर फिरना, अब ये उम्र में हम गिरते पड़ते। एक ऐसी फैसिलिटी बनाने, एक ऐसी कमेटी बनाना, आते ही हमारे को मिले जैसा पैसा, यह चाहिए हम लोगों को, जरा तकलीफ जरा मगर यहाँ लोग आगे ये तकलीफ हमारी आसान कीजिए जी बाबा, सब लोग मिलके, सबके वक्त हमारी थोड़े उम्र के थोड़े दिन रह गए, बहुत धक्के खाना पड़ रहा, भूखे मरना पड़ रहा, पैदल आना पड़ रहा, पैसे मिल रहे लोगों के पास से, कहाँ से लेके यहाँ आते जाना, खाली जाते जाना, उसमें चले जा रहा पैसा हमारा, दवा को भी बस नहीं हो रहा, आते कितने पैसे, जाने आने में खत्म हो जा रहे। पहले थे 4 दिन 5 दिन से लोग फिर रहे, मतलब कि किसी को 1 महीने की पेंशन नहीं मिली, किसी को 2 महीने की नहीं मिली, किसी को 3 महीने की नहीं मिली, यहाँ पर ये हालात है, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर लोग। और शाहीन नगर के तमाम जितने भी पेंशन है वो लोग तो जो है ना शाहीन नगर में ही देना चाहिए, और शाहीन नगर से लेके आकर वो लोग को यहाँ पर डाले, कभी कोई बोलते पहाड़ी शरीफ में जाकर ले लो बोलकर बोल रहे, वो लोग पहाड़ी में गए तो कुत्तापेट आ जाओ बोल रहे, तो वहाँ पर गए तो वहाँ से यहाँ भी जा रहे, यहाँ से वहाँ भी जा रहे, ये बेचारों को आने जाने में रोजे में जो है ना सुबह 6:30 से 6 बजे से बेचारे आकर बैठे हुए यहाँ पर, वो लोग को टाइम पे पेंशन नहीं मिल रहा, तो इसके जिम्मेदार कौन है? तेलंगाना हुकूमत से ये मुतालबा है, ये माइनॉरिटी के एरिया में हर चीज़ के लिए यही प्रॉब्लम है, आप पेंशन होने दो या राशन होने दो, राशन के लिए जाना है तो बालापुर जाना, पेंशन के लिए आना है तो कुत्तापेट आना, शाहीन नगर के लोगों को इतना सारे प्रॉब्लम्स है, आप जो है ना ये खाली एक वायदे कर रहे हैं कि भाई पेंशन मिल जा रहा, फलाने मिल जा रहा, ये लोग से देखिए आप बात करिए, ये लोग से है लेकिन इतना फिर रहे, 4-5 दिन से फिर रहे हम लोग, पहाड़ी को जाओ बोले तो पहाड़ी को जा रहे हैं, पहाड़ी से वापस आ रहे हैं, पहाड़ी वाले बोल रहे हैं जाओ कोतापेट को, कोतापेट वाले बोल रहे हैं पहाड़ी को जाओ, ऐसा हो रहा, फिर इतना फिर रहे, पैरों में दर्द है, चलना नहीं आ रहा, गिर गई एक तो सच की तलाश का नाम आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।